दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार। आप सभी जानते हैं ट्रिपल तलाक खत्म हो गया है। अब अगर कोई व्यक्ति तलाक 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 बोलकर किसी को तलाक दे देता है तो यह कानूनन जुर्म होगा। ट्रिपल तलाक को सबसे क्रूर तरीकों में से एक माना गया था, इसलिए इसे खत्म करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। मुस्लिम धर्म में ट्रिपल तलाक तलाक के कई तरीकों में से एक था। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी तरीकों से तलाक लिया जा सकता है। आज हमने तलाक के मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश की, जिसे आप ध्यान से देखें। भारत में मुस्लिम धर्म के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोग रहते हैं। अन्य धर्मों में भी शादी और तलाक के नियम बने हुए हैं। ये नियम क्या हैं और डिवोर्स के तरीके क्या होते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की। कोई भी दो बालिग यानी लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल शादी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में शादियों के लिए 1955 में एक कानून बनाया गया था, इसे हिंदू मैरिज एक्ट कहा जाता है। इसमें धारा 5, 6 और 7 अति महत्वपूर्ण हैं। वो इसलिए कि इसमें यह बताया गया है कि किन किन के बीच शादी नहीं हो सकती। माता पिता से संबंधित 5 पीढ़ियों तक शादी नहीं कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में एक शब्द महत्वपूर्ण है, वो है सप्तपरी। यह वेदों से आया है। इसी सप्तपरी शब्द को हिंदू मैरिज एक्ट में शामिल किया गया है। एक हिंदू शादी तभी मान्य होगी जब उसमें 7 फेरे हुए हों। 7 फेरे अनिवार्य हैं, जिसे हम और आप रीति रिवाज में शादी करना भी कहते हैं। मान लीजिए कि दो हिंदू अगर मुस्लिम या ईसाई रीति रिवाज से शादी करते हैं तो कोर्ट इस शादी को मान्यता नहीं देता है। यानी कि हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक और शादी होती है जो कोर्ट में होती है, यानी कि कोर्ट मैरिज। इसके लिए अपने एरिया के कोर्ट में रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देनी होती है कि हम शादी कर रहे हैं। इसे न्यूज़पेपर में भी छपवाना पड़ता है। कोर्ट की तरफ से एप्लीकेशन देने वाले के यहाँ लेटर जाता है। इसके बाद कोर्ट नोटिस लगाता है कि इस शादी से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यह पूरा प्रोसेस 30 दिनों तक चलता है। कोर्ट में की गई शादी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। सामान्य या आर्य समाज विधि से शादी करने पर इस शादी को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं हिंदू धर्म में तलाक का प्रोसेस क्या है। हिंदू शादी में तलाक सीधे कोर्ट से होता है, वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तलाक दो तरीके से होता है, एक आपसी सहमति से और दूसरा दोनों में से किसी एक को शादी से दिक्कत है तो वह तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। आपसी सहमति से तलाक के मामले में पति पत्नी कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, दोनों के बीच सेटलमेंट अग्रीमेंट होता है। दोनों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। कोर्ट की ओर से 6 महीने का वक्त मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यह जरूरी नहीं रह गया है। कोर्ट ये वक्त इसलिए देता है कि इस बीच शायद मन बदल जाए तो आपस में समझौता कर सकते हैं। अगर पति पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए अर्जी दी है और 6 महीने बाद फिर से सुनवाई के लिए नहीं गए तो ये मान लिया जाता है कि उनमें समझौता हो गया है और वे तलाक नहीं चाहते। लेकिन वे 6 महीने के बाद आते हैं तो कोर्ट सुनवाई के बाद तलाक की अर्जी मंजूर कर लेता है। अगर शादी से किसी को दिक्कत है तब क्या होता है, इसे भी आप देख लीजिए। ऐसे में जो पति या पत्नी शादी खत्म करना चाहता है या चाहती है, कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है या कर सकती है। इसमें 3 आधार पर तलाक ले सकते हैं। क्रूरता यानी कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दहेज की मांग, परित्याग, बिना कारण छोड़ देना, एडल्ट्री, शादी में रहते हुए किसी और से गैर संबंध। इस तरह के तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन देना होता है। कोर्ट में ट्रायल चलता है। कोर्ट की ओर से नोटिस इशू होता है। दूसरा पक्ष तलाक चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर नहीं चाहता है तो क्यों नहीं चाहता है, कोर्ट भी यह देखता है। तलाक का आधार बनता है कि नहीं बनता है, इसमें 2 साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है। हिंदू धर्म में जब तक तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अगर आपने शादी की तो आप पर केस हो सकता है। अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो गुजारा भत्ता क्लेम कर सकते हैं। जिस वक्त पत्नी ने दूसरी शादी कर ली तो पति गुजारा भत्ता देना बंद कर सकता है। आपसी सहमति से तलाक लेने पर आप एक बार में भी गुजारा भत्ता दे सकते हैं। महिला खुद के लिए और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। किसी महिला को कितना गुजारा भत्ता मिलेगा यह मामला कोर्ट तय करती है। हिंदू मैरिज एक्ट सिख, बौद्ध और जैन धर्म पर भी लागू होता है। यानी कि इन धर्मों के लोग भी तलाक के लिए जब कोर्ट जाएंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही मामले की सुनवाई होगी। अब हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म और तलाक की कहानी। इस्लाम में शादी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कस्टम की बात करें तो तलाक 2 तरीके से होता है। अगर पति ने तलाक बोल दिया तो पत्नी के पास क्या ऑप्शन है। मुस्लिम धर्म में महिलाओं को तलाक बोलने के लिए लिबर्टी नहीं है। तलाक सिर्फ पति ही दे सकता है क्योंकि वह पत्नी का केयर टेकर है। इसलिए निकाहनामे में लिखा भी जाता है कि हम उनकी पूरी तरह देखभाल करेंगे और जब हम छोड़ेंगे तो एक राशि अदा करेंगे जिससे वह ज़िंदगी गुजार सके। जब लड़का तलाक देता है तो उसे किसी एक्ट से गवर्न होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़की को तलाक चाहिए तो वह कोर्ट जा सकती है।
महिला भी कानूनन राइट के तहत केस फाइल कर सकती है, यानी रिश्ते में से किसी एक का निकल जाना। अगर पत्नी कहे कि मेरा पति मेरे साथ शादी का रिश्ता नहीं निभा पा रहा है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि दोनों साथ रहें। हालांकि ये सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जब पति पत्नी दोनों मुस्लिम हों। मुस्लिम लॉ में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसे स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। आगे ईसाई धर्म में कैसे होता है तलाक, यह भी जान लें। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक चर्च के पास तलाक पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है, सिर्फ कोर्ट ही तलाक पर फैसला दे सकती है। ईसाई धर्म में शादी को जीवन भर का साथ माना जाता है, लेकिन तलाक की नौबत आने पर चर्च शादी को खत्म करने का तरीका बता सकता है। चर्च में आवेदन देना होगा कि शादी क्यों खत्म करना चाहते हैं या चाहती हैं। बातचीत के जरिए उन्हें साथ रहने के लिए मनाया जाएगा, लेकिन फिर भी बात नहीं मानी तो कपल को 6 महीने से साल भर तक अलग रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन बात नहीं बनने पर डायसिस कोर्ट में सुनवाई होगी। चर्च में शादी तो रद्द हो सकती है, लेकिन तलाक नहीं लिया जा सकता। चर्च भारतीय कानून को मानता है, इसलिए शादी और तलाक जैसे मामलों में भारतीय कानून ही लागू होता है। क्रिश्चियन तलाक अधिनियम 1872 पहले से था, लेकिन उसमें 2001 में संशोधन हुआ। अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना छोड़ दे तो पत्नी तलाक के लिए अर्जी दे सकती है, लेकिन यह साबित करना होगा। क्रिश्चियन मैरिज भी स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। कोर्ट में भी तरीका वही है, बस यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट की जगह क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1872 का प्रावधान है। सिख समुदाय में तलाक का मामला इस प्रकार समझें। सिख समुदाय में तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि शादी को दो आत्माओं का मिलन माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर तलाक की नौबत आती है तो कानून के तहत ही तलाक ले सकते हैं। सिख शादियाँ भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड होती हैं, ऐसे में तलाक भी इसी के तहत होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है यह भी हम आपको बता देते हैं, जिसका जिक्र हमने मुस्लिम लॉ में किया था। अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करें तो इस शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। स्पेशल मैरिज कोर्ट में या रीति रिवाज से हो सकती है। दोनों में से किसी एक धर्म के रीति रिवाज से शादी होना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम के बीच शादी गुरुद्वारे में हो रही है तो यह शादी मान्य नहीं होगी, यानी कि किसी एक रीति रिवाज को फॉलो करना ज़रूरी है। अब जब शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो रही है तो तलाक भी इसी एक्ट के तहत होगा। कोई भी दो धर्म के लोग जिनकी शादी हुई है इसके तहत तलाक ले सकते हैं। अगर किसी ने अपने धर्म के तहत बने कानून के तहत तलाक लिया है तो वह कोर्ट में भी मान्य होगा, हालांकि सामने वाला उसे चैलेंज कर सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में तलाक के लिए कोर्ट ही जाना पड़ेगा। मुस्लिमों में दूसरी शादी के लिए तलाक ज़रूरी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में लूप होल बहुत हैं। तलाकनामा को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट उसकी वैलिडिटी देखती है, मेहर देखती है, कोर्ट काजी की ओर से भेजे गए तलाकनामे को स्वीकार करती है। अब आप जान लें किस कोर्ट में होती है यह सुनवाई। तलाक के जो भी केस आते हैं फैमिली कोर्ट में चलाए जाते हैं। कोर्ट कोशिश करती है वो तलाक के लिए अर्जी देने वाले पति पत्नी से संपर्क करें, लेकिन अन्य मामलों में वह वकील से जानना चाहती है, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि लोगों को कानून नहीं पता होता है। कोर्ट कोशिश करती है कि दो लोगों के बीच में जिस बात को लेकर अनबन है वो सुलझ जाए। कोर्ट के काउंसलर कोर्ट के स्टाफ होते हैं, दोनों पार्टियों को साथ बिठाकर समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। फैमिली कोर्ट पहले शादी बचाने पर जोर देती है। कई मामलों में जज सीधे बात करते हैं, एक साथ बात करते हैं तो कभी पति पत्नी से अलग भी बात करते हैं। इस दौरान दिया गया बयान सबूत के तौर पर पेश नहीं हो सकता है, इसलिए लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं। तलाक लेने से पहले दूसरी शादी करना भी मान्य नहीं है। आज की रिपोर्ट में आपने जाना, अगर दो अलग धर्मों के लोगों ने शादी की है तो डिवोर्स किस धर्म के तरीके से होगा और धर्मों में किस तरह तलाक होता है। उम्मीद करते हैं यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। हमारी खबरों को शेयर करते रहें। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। खबरों के लिए बने रहिए दस्तक 24 के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।